हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, इसमें हम बात करने जा रहे हैं, हमारा जो फ्री फायर गेम्स गाइस वो बैन हो गया है। दरअसल हुआ क्या गाइस कि 2-3 दिन से हमारा जो iOS से भी हटा दिया था इस गेम को, तो आज फाइनली गाइस हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से ऑफिशियल हमारा जो लिस्ट आ गया है 54 ऐप्स जो परमानेंट बैन हो गए हैं गाइस। और ये रही लिस्ट गाइस, जो फिलहाल 54 ऐप्स जो फिलहाल बैन हो चुके हैं। अगर आप प्ले स्टोर से आप सर्च करेंगे फ्री फायर, तो गाइस जो पुराना वाला वर्जन है वो नहीं आएगा। हालांकि गाइस हमारा जो फ्री फायर मैक्स है वो अभी भी है, तो आप इसे प्ले स्टोर से देख सकते हैं, खेल भी सकते हैं। लेकिन गाइस जो हमारा मेन वाला है उसको बैन कर चुका है। सारे 54 ऐप्स के पीछे बैन होने के कारण हमारा चाइनीज ऐप्स बताई जा रही है। फिलहाल अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल में अभी सर्च करें प्ले स्टोर पे, तो आपको फ्री फायर जो पुराना वर्जन है वो नहीं दिखाई देगा गाइस। मैक्स वाला हालांकि आ जाएगा, लेकिन पुराना वाला जो मेन है गाइस उसको हटा दिया गया है। 2-3 दिन से पहले ही iOS से हटा दिया था गाइस, अब एंड्रॉयड से भी हटा दिया गया है। और अभी तक इसका ठोस वजह यही है गाइस कि ये चाइनीज ऐप से रिलेटेड है। और फिलहाल इसका अनबैन होने का क्या प्रोसेस है ये अभी तक पता नहीं है गाइस। और भी आगे की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि अगला वीडियो जो इसके बारे में हम आपको जल्दी से जल्दी बता सकें। और अनबैन को लेकर जो भी प्रोसेस या जो भी टर्म एंड कंडीशन होते हैं गाइस, तो मैं इसी चैनल पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको जल्दी से जल्दी पता चल सके। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइस जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।